नमस्कार, बन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। मध्य प्रदेश में उपचुनाव खत्म हो गए हैं, लेकिन विवादित बयानों का सिलसिला अभी तक जारी है। इस बार रतलाम से बीजेपी सांसद गुमान सिंह डोबरा अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं। गुमान सिंह डोबरा का एक कथित वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो ठेकेदार को उल्टा लटकाने की धमकी देते दिख रहे हैं। आपको भी वो पेटलावत का कौन ठेकेदार है, उसको बोलना कि आके तत्काल काम करे, नहीं उल्टा लटका दूंगा उसको। फिर वायरल हो रहा वीडियो 18 नवंबर का बताया जा रहा है। आपको भी वो पेटलावत का कौन ठेकेदार है, उसको बोलना कि आके तत्काल काम करे, नहीं उल्टा लटका दूंगा उसको। फिर उल्टा लटका दूंगा उसको फिर और कब आओगे तुम इधर निरीक्षण उसको ले, नहीं 23-24 को मतलब आप आइए 27 तारीख को और मेरे साथ यहाँ का निरीक्षण करिए। 27 तारीख को यहाँ रोड खुदा पड़ा है सब। 27 तारीख को हमको सड़कें बनवानी है यहाँ की। आप 27 को लेके आइए और उसको टाइट करिए, यहाँ पेटलावत में लापरवाही नहीं करेंगे तो उसका टर्मिनेट करो फिर कॉन्ट्रैक्ट। दरअसल बीजेपी सांसद गुमान सिंह डामोर झाबुआ जिले के पेटलावद में नगर परिषद के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। मंच पर ही जब नगर परिषद अध्यक्ष ने सड़क बनाने में देरी करने वाले एक ठेकेदार की शिकायत की, तो सांसद ने ठेकेदार को फोन लगाकर जमकर डांटा और कहा कि ठीक से समय सीमा में काम नहीं किया तो उल्टा टांग देंगे। सांसद की इस धमकी से पास में सफेद कपड़े पहने बैठे नगर परिषद पेटलावत के अध्यक्ष मनोहर भटेवरा इतने खुश हुए कि उन खड़े होकर तालियां बजाने लगे और लोगों से भी बजवाने लगे। बता दें कि मध्य प्रदेश में हाल ही में हुए उपचुनाव में नेताओं ने काफी विवादित बयान दिए थे, जिनको लेकर खूब सियासी बवाल मचा था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए बन इंडिया हिंदी के साथ।